जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया है. He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा टारगेट अचीव किया है कि वो दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सबको बीट कर दिया उन्होंने. What a rockstar is he, your new boss. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर 9 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं. आज मोदी साहब उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं. का फेमस तरीन लीडर कौन होगा जिसके सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हो, कौन है वो? अभी मेरे ख्याल में जो फ्लोट हो रहा है जिनका नाम वो नरेंद्र मोदी है, आई थिंक. And his level of commitment to the people of India is just indescribable. Prime Minister Narendra Modi becomes first global leader to have 20 million YouTube subscribers. Narendra Modi become the most follower world leader on the all social media platforms. So Pakistan kya duniya mein bhi kisi shakhs ne ye baat accept nahi ki thi ki ye ek visionary hai, ek visionary insaan hoga. Cheez to dukh sabse bada ye hai ki ek padosi hai jo day by day downfall pe ja raha hai, dusra padosi day by day duniya ko take over karte hue ja raha hai. The highest subscribed leader in the world. Isko yaad rakha jayega aur ye kaha jayega ki wo kaun sa prime minister ya wo kaun sa politician political leader tha ki jisne sabse zyada सब्सक्राइबर्स हासिल किए, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा. ये है सिग्निफिकेंस. उनके जो एंटायर वेस्टर्न मीडिया है वो मजबूर है ये कहने पे कि भारत का सिर्फ अगला साल ही भारत का नहीं है, इकोनॉमी में लगता है कि अगली पूरी दहाई है. लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे. आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर हर दूसरे दिन आपको जो बाइडन नजर आता, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आते हुए हमें नजर आते हैं. एक आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है जिसमें उनका कद काठ जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ. तो ये है इनफैक्ट सिग्निफिकेंस के दुश्मन भी मानने को मजबूर हैं कि भाई अब हम इस आदमी का क्या करें. ये समझता हूं कि उसमें कौन सी खूबी ऐसी है, क्या खूबी है कि उसका नाम जो है वो इतना फेमस पूरी वर्ल्ड में हो रहा है. ही इज देयर, ही इज अ सॉलिड लीडर. ऑब्वियसली इंडिया ही आगे है जी. तो कैसे गया आगे, कैसे वो नरेंद्र मोदी की वजह से गया. मोदी साहब ने अपना नाम स्टैम्प कर दिया है डिजिटल बुक ऑफ हिस्ट्री. एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा टारगेट अचीव किया है कि वो दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सबको बीट कर दिया उन्होंने. बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी साहब ने अपना नाम स्टैम्प कर दिया है डिजिटल बुक ऑफ हिस्ट्री. जो डिजिटल बुक है, जो कि आइंदा इसको याद रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर या वो कौन सा पॉलिटिशियन पॉलिटिकल लीडर था कि जिसने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए. तो हुआ कुछ यूं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू हैव 20 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स. यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में 20 मिलियन सब, ये काउंट इस तक पहुंचना क्या आसान है. देखिए इसमें मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगी आपको कि उन्होंने बस 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए, बल्कि आपको ये बताएंगे कि दुनिया के वो कौन कौन से लीडर्स हैं कि जो इस दौड़ में शामिल थे और उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं. और सिर्फ ये सब्स का ही काम नहीं है, ये सब्स का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसमें व्यूज और वो भी ऑर्गेनिक व्यूज किसके कितने हैं आपके सामने रखेंगे. इसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं तो दुनिया के बड़े लीडर्स इस दौड़ में शामिल थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर सबको बीट कर दिया. तो जालिमों, मुझे एक मरतबा फिर ये कहने का मौका मिल रहा है कि मोदी आ गया है और इस बार वो एक और विक्ट्री की सूरत में जो है उनका नाम सामने आ रहा है और वो ये है कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स. अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको ऐसे देख रहे हो कि देखिए उनकी तो आबादी और पॉपुलेशन जो है
वो इतनी ज्यादा है, तो उन्होंने अगर 20 मिलियन हासिल कर लिए, तो वही मैंने आपको कहा कि जब मैं आपको इसके बताऊंगी कि किस तरीके से, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सोचे तो फिर तो अगर 1.5 अरब की आबादी है तो उसमें से हम कहेंगे वो तो 1 अरब भी हासिल कर सकते थे। लेकिन ये जो डिजिटल दुनिया है ये कोई इतना सौखा काम नहीं है, बड़ा ही औखा काम होता है ये। तो जनाब जरा देखते हैं कि रनर अप कौन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद जिनका नाम आ रहा है इसके अंदर, वो है फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, और उनका जो काउंट है वो फार बिहाइंड है। वैसे उनका वो है 6.4 मिलियन पर, और इसमें तो यानी वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे 6.4 मिलियन। अच्छा, इसमें ये जो हमारी चीज हमारे सामने आई है, जो रैंकिंग की गई है, तो उसमें सेकंड रैंकिंग तो मैंने आपको बता दी कौन है, ब्राजीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट। और उसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जो थर्ड नंबर पर हैं वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और वो हैं 1.1 मिलियन पर। अच्छा, फिर इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन, और जो बाइडन साहब के हैं 7,94,000 सब्सक्रिप्शन ऑन यूट्यूब चैनल। और फिर इसके बाद जब हम ये देखें कि ये, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स का ही मामला नहीं है, इसमें व्यूज का भी मामला है। तो देखिए ये डिजिटल जो हम देखते हैं ताकत, क्योंकि ये भी शो करता है कि किसी लीडर की कितनी डिजिटल पावर है और कितनी ग्लोबल पॉपुलैरिटी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस टचिंग द रूफ। आज मैं यहां पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव ही, आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है जिसमें उनका कद काठ, जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के, वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ, और मैं समझता हूँ कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट। मेरे ख्याल आपसे सर, इस टाइम दुनिया का, पूरी दुनिया का फेमस तरीन लीडर कौन होगा जिसके सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हों, कौन है वो? अभी मेरे ख्याल में जो फ्लोट हो रहा है जिनका नाम, वो नरेंद्र मोदी है, आई थिंक इसका सुना है नाम, मतलब उसका नाम फ्लोट हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें कौन सी खूबी ऐसी है, क्या खूबी है कि उसका नाम जो है वो इतना फेमस पूरी वर्ल्ड में हो रहा है। बात ये है कि लीडर शुड बी ए नेशनलिस्ट, उसे अपनी कौम से प्यार करना चाहिए, अपनी कौम से मोहब्बत करनी चाहिए। जो लीडर अपनी कौम से मोहब्बत करता है, अब नरेंद्र मोदी की जो बात सुनने में आ रही है वो वजह ये है कि उसने, देखें 2013 में आई थिंक वो आया, ठीक है ना, 2013 में आया, और उसके बाद उसने, देखें उसने अपने मुल्क को कहाँ उठा के लेके गया वो। मैं फांसी बड़ी मैशत बना, मैं ये समझता हूँ कि हमें, मुझे बहसियत पाकिस्तानी, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचती है कि जब हमारे लीडर्स जो हैं वो, जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो मुल्क की खिदमत करना और मुल्क को दुनिया के साथ मुकाबले में ला के आगे लेके जाना, इस ज़िम्मेदारी से हम लोग जो है ना वो पीछे हटते जा रहे हैं।